वी कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इवेंट्स ऑफ फर्स्ट स्टेज लेबर, फेजेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। अब आते हैं दूसरे स्टेज पे। तो सेकेंड स्टेज में आने से पहले आप लोगों को एक डाउट नहीं आया होगा, मुझे एक डाउट आया था कि विस्टर को भी एक चीज़ होती है जो हमें देखने को मिलती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। एक वर्ड हमें देखने को मिलता है विस्टर्गो। तो विस्टर्गो अगर आपको देखने को मिले तो इसका मतलब होता है मैटरनल ऑर्गन्स का रेजिस्टेंस। मैटरनल ऑर्गन्स क्या करते हैं? रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। क्यों रेजिस्ट करते हैं? तो जब फीटस अपना प्रेशर लगाता है तो मैटरनल ऑर्गन भी अपना प्रेशर लगाते हैं, अपोजिट प्रेशर लगाते हैं, उसी को बोलते हैं विस्टर्गो। क्लियर है? दूसरी एक चीज़ जो मैंने देखी और मेरे से उसमें गलती हो गई थी वो था आपका मॉर्फिन सल्फेट। हमने बोला था मॉर्फिन का जो डोज देते हैं वो 2 इंटरनेशनल यूनिट, वो गलती से हो गया था मेरे से। एक्चुअली वो 210 इंटरनेशनल यूनिट है, 10 कर लीजिएगा उसको वहाँ पे फर्स्ट स्टेज में। क्लियर है? अब पढ़ते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लीवर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लीवर कितने टाइम की हो सकती है? ये हो सकती है 1.5 से लेके 2 आवर्स के ड्यूरेशन तक हो सकती है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट, प्रीमी ग्रेविडा में 2 घंटे तक लग सकते हैं और मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट में कंप्लीट हो सकती है। क्लियर हो गया? या होती है सेकेंड स्टेज ऑफ लीवर। अब इसमें इवेंट्स क्या क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं 2 इवेंट्स। एक आता है प्रोपल्शन। क्या आता है? प्रोपल्शन। और दूसरा आता है एक्सपल्शन। तो 2 स्टेज इसमें हमको देखने को मिलती है, ठीक है, प्रोपल्शन और एक्सपल्शन। अब प्रोपल्शन क्या है? अब हम जब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था, सपोज ये क्या है, पेल्विस है, ठीक है। और पेल्विस के अंदर अगर आपने पेल्विस देखा है तो उसमें ईस्चियल स्पाइन जहाँ पे होती है, क्या होती है, जहाँ पे ईस्चियल स्पाइन, तो वहाँ पे क्या होता है, बेबी का हेड आके टच होता है ईस्चियल स्पाइन पे। जिस टाइम पे बेबी का हेड यहाँ पे आ जाता है ईस्चियल स्पाइन पे, उसी को हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं इंगेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? जब बेबी का हेड पेल्विस के कौन से पार्ट में, ईस्चियल स्पाइन में आ जाता है, ईस्चियल स्पाइन पे पहुंच जाता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपल्शन, तो दैट इज कॉल्ड इंगेजमेंट। प्रोपल्शन क्या है फिर? प्रोपल्शन मीन्स व्हेन द फीटल हेड, अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी इसमें, फीटल स्टेशन पढ़ा है, फीटल स्टेशन, कोई नहीं पढ़ा है तो अभी देख लेते हैं। तो ईस्चियल स्पाइन जहाँ पे होती है, ईस्चियल स्पाइन जहाँ पे होती है वहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 0, और ईस्चियल स्पाइन के अबव पेल्विस में -1, -2, -3 ऐसे मार्किंग की जाती है। और अगर 0 के नीचे की तरफ पेल्विस की ईस्चियल स्पाइन से नीचे की तरफ 2, 3, 4 ऐसे ये लिखा नहीं होता है, ये हम इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो ईस्चियल स्पाइन पे है तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी इंगेज हो गया है हेड। क्लियर? दूसरी चीज़, अगर आपका हेड अबव है तो हम बोलेंगे कि फीटल स्टेशन अभी पहुंचा नहीं है, इंगेज नहीं हुआ है। अगर -1 पे है तो -2, -3 मतलब ऊपर ही है अभी, 0 पे पहुंच गया मतलब ईस्चियल स्पाइन पे पहुंच गया मतलब इंगेजमेंट हो गया, ठीक है। अब प्रोपल्शन क्या होता है? +3, +4 तक जाने तक हेड का नीचे की तरफ आना, ये कहलाता है प्रोपल्शन। क्या कहलाता है? प्रोपल्शन। हेड का डिसेंट होना, सारी चीज़ें प्रोपल्शन के अंदर ही पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं ना, इंगेजमेंट होता है, डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है, क्राउनिंग होती है, ठीक है, और एक्सपल्शन आ जाता है उसका बाहर निकलना, ठीक है। फीटल हेड का जो पॉजिटिव स्टेशंस हैं वहाँ पे पहुँचना वो कहलाता है प्रोपल्शन, और एक्सपल्शन होता है फीटल हेड का बाहर डिलीवर आउट होना। तो ये पढ़ा हमने फीटल स्टेशन और 2 इवेंट। अब हम प्रोपल्शन के अंदर जो इवेंट्स आते हैं, प्रोपल्शन एक्सपल्शन में जो भी इवेंट आते हैं वो पढ़ेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमने क्या बोला, इंगेजमेंट। अब देखते हैं इंगेजमेंट क्या होता है। तो इंगेजमेंट वो होता है जब आपका फीटल हेड, हमने क्या बोला था, जब फीटल हेड कहाँ पे पहुँच गया,
ईस्चियल स्पाइन पे, ईस्चियल स्पाइन पे पहुंच गया। क्लियर हो गया। फीटल हेड का ईस्चियल स्पाइन में इंगेज होना कहलाता है इंगेजमेंट, जो कि फर्स्ट आपकी कंडीशन है। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है डिसेंट। फीटल हेड का जितने भी फोर्सेस हैं, चाहे वो मैटरनल फोर्स हैं, फीटल फोर्स है, ये यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से फोर्स है, ऑल फोर्स पुश द फीटस डाउनवर्ड। कहाँ की तरफ करते हैं, डाउनवर्ड की तरफ जब फीटस को पुश कर किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम डिसेंट। क्लियर हो गया। तो डिसेंट वाली प्रोसेस तो थ्रू आउट द लेबर चलती रहेगी आपकी। इंगेजमेंट हो गया मतलब प्लस स्टेशन, मतलब जीरो स्टेशन पे आ गया, मतलब ईस्चियल स्पाइन पे आ गया। थर्ड आता है फ्लेक्शन। क्या आता है, फ्लेक्शन। अब फ्लेक्शन क्या होता है, जब बेबी अब साइड से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसको यूट्रस मैटरनल प्रेशर और सारी चीज़ें प्रेशर कर रही होती है नीचे को, तो यहाँ पे तो पेल्विक फ्लोर भी है। क्या है, पेल्विक फ्लोर है, तो पेल्विक जो मदर का पेल्विस है वो भी क्या करेगा, उसको पेल्विस की जो मसल्स होंगी वो भी क्या करेगा, अपवर्ड प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, अपवर्ड प्रेशर लगाएगा। तो फिर बेबी का हेड आता तो ऐसे है नीचे, अब से प्रेशर लग रहा है, और अब नीचे की मसल्स जो हैं वो भी नहीं ओपन हो रही हैं, तो वो कैसे लगा रही हैं, अब को प्रेशर लगा रही हैं, तो अब जो बेबी का हेड है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लेक्स हो जाता है। क्लियर है। जब बेबी का हेड फ्लेक्स होता है, मतलब उसका जो चिन वाला पार्ट है वो चेस्ट पे लग जाता है, तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन। मतलब फ्लेक्शन किसकी वजह से आता है, दोनों तरफ के जो फोर्स हैं, यूट्रस का फोर्स प्लस जो नीचे से पेल्विक का अपोजिट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से। अब जो यूट्रस में जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स कहाँ से लग रहा है, पेल्विस से लग रहा है, उस फोर्स के अंदर जो तीन टाइप की मसल्स होती हैं जो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मानी जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो होती है इलियो कॉकीजियल, ठीक है, एक होती है इलियो कॉकीजियल, एक होती है इलियो प्यूबिस, सॉरी प्यूबिको कॉकीजियल या प्यूबो कॉकीजियल बोल सकते हैं आप इसको, प्यूबो कॉकीजियल, और एक होता है आपका इलियो कॉकीजियल, प्यूबो कॉकीजियल, और एक होता है इस्चियो कॉकीजियल, इस्चियो कॉकीजियल। तो ये तीन मसल्स क्या होती हैं, इलियो कॉकीजियल, प्यूबो कॉकीजियल और इस्चियो कॉकीजियल, ये तीन तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं पेल्विक फ्लोर में। अगर इन तीनों को हम साथ में बोलें तो इनको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, इसको एक नाम से जाना जाता है, इन तीनों को कंबाइंडली एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं लेवेटर एनी मसल, लेवेटर एनी मसल, ठीक है। लेवेटर एनी मसल्स अगर आपसे कोई पूछे तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, लेवेटर एनी मसल्स, कहाँ की, पेल्विस की, तो पेल्विस के अंदर ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो पेल्विस के अंदर ये तीन मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं, अपवर्ड फोर्स लगा रही होती है, जैसे ही बेबी डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होता है तो उसकी वजह से क्या आ जाता है, बेबी की नेक में फ्लेक्शन आ जाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि इंगेजमेंट कैसे हो रहा था, डिसेंट कैसे हो रहा था और फ्लेक्शन कैसे हो रहा था। अब अगला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, चौथा पॉइंट या चौथा इवेंट, इंटरनल रोटेशन। क्या आता है, इंटरनल रोटेशन, ठीक है। तो इंटरनल रोटेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ एक इस तरीके का चार्ट बनाना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा, सॉरी बहुत अच्छा नहीं बना लेकिन चलो देख लेते हैं, समझने के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सबसे एंटीरियर वाला है, ये पोस्टीरियर वाला है, ये हमने बनाया क्या है, ये एक पेल्विस है, आप अच्छे से बनाना बिल्कुल सर्कल गोल करके, ठीक है। ये ऑक्सीपुटो एंटीरियर वाला पार्ट है, मतलब ये पेल्विस का आगे वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, क्यूबिक बोन प्रेजेंट होती है, और ये कॉकिक्स वाला पार्ट है, ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। क्लियर हो गया, ये आगे वाला पार्ट है। अब क्या होता है इंटरनल रोटेशन में, क्या होता है, फीटल के हेड को रोटेट होते हुए यहाँ तक पहुँचना होता है, मतलब उसका मेन एम होता है जो फीटस के हेड का, वो होता है कि ऑक्सीपुटो एंटीरियर में पहुँचना। अब वो कैसे कैसे पहुँचता है, जब फीटस का हेड है, सपोज़ ये हेड है, तो उसके शोल्डर में और जो उसके हेड में, तो आपको ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है,
ये होता है 45 डिग्री का एंगल, क्लियर है। तो यहाँ पे तो हम काउंट नहीं करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर हेड है, यहाँ पे अगर हेड है, ठीक है, हेड और शोल्डर की बात, अगर यहाँ पे हेड है तो कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, क्लियर है। अभी इसको हम देखेंगे कैसे कैसे होगा। तो पहले हम पोजीशन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन है। ये पेल्विस है, अगर फीटस का हेड वाला पार्ट यहाँ पे है तो इसको हम बोलेंगे राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। पेल्विस में पता चल गया, तो एंटीरियर साइड पे ऑक्सीपुटो एंटीरियर था जिसका मेन को, अगर यहाँ से यहाँ पे फीटस का हेड है तो उसे कितना डिग्री मुड़ना पड़ेगा, 45 डिग्री मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पे है तब भी 45 डिग्री। अब ये हमने पढ़ा था कौन सा सूचर होता है जो एंटीरियर और डाउनवर्ड और अपवर्ड में डिवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो ये कौन सा है, राइट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स लोकेशन हो गई अगर फीटस का हेड यहाँ पे है, और ये क्या हो गई, लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स हो गई, क्लियर। अब ये कौन सी पोजीशन हो गई, ये हो गई राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर साइड पे है और राइट साइड पे है अगर फीटस का हेड, तो राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर, ऐसे ही लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। तो ये हो गई फीटस के हेड की पोजीशन। अब उसे आना अल्टीमेटली यहाँ पे है, कहाँ पे है, ऑक्सीपुटो एंटीरियर वाले पार्ट पे। तो अब देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर, एक दे देते हैं हेड और एक ले लेते हैं शोल्डर। तो हमें बस इसका एंगल बताना है, ठीक है। अब अगर राइट हेड अगर कहाँ पे है, राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे है, तो शोल्डर कहाँ पे होगा, इसको हम जीरो डिग्री मानते हैं क्योंकि यहाँ पे ही हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, यहाँ पे ही पहुँचने का है। तो हेड अगर हमारा 45 डिग्री पे है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहता है, 45 डिग्री का, तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो डिग्री पे हो गए शोल्डर्स। ये क्या है, शोल्डर्स है, ठीक है, शोल्डर्स। अब ये तो हमने राइट और लेफ्ट ऑक्सीपुट की बात कर ली। दूसरा पॉइंट आता है आर ओ टी एल ओ टी की बात, राइट ट्रांसवर्स और लेफ्ट ऑक्सीपुटो ट्रांसवर्स की, मतलब ऑक्सीपुट वाला पार्ट अगर राइट साइड है या लेफ्ट साइड है वो भी ट्रांसवर्स वाली जगह पे, तो बराबर पड़ेगा दोनों को ही। तो कितना हेड कितनी डिग्री पे है यहाँ से यहाँ तक, 90 डिग्री पे, आपको दिख रहा होगा ना ये 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री पे हो गया हेड। तो मैंने हमेशा बोला है कि जितना भी अगर हेड 90 डिग्री पे होगा तो उसका 45 डिग्री का डिफरेंस रहता है। तो अगर हेड 45 यहाँ पे है तो उसका जो शोल्डर होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो मतलब 45 डिग्री पे होगा क्या, शोल्डर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट कौन सी आई, राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर। अब कितना डिग्री हो गया, 90 और 45, 135 डिग्री। अब 135 डिग्री पे अगर हेड है तो शोल्डर कितने डिग्री पे होगा, उससे 45 कम, मतलब 45 डिग्री पे, सॉरी 135 में से 45 मतलब 90 डिग्री पे, यही तो होगा। अगर हेड यहाँ पे है तो शोल्डर यहीं पे तो होगा, तो ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 135। अब अगर ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पे है तो बेबी के हेड को, अगर ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पोजीशन पे है तो बेबी के हेड को कितना मूव करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 180 डिग्री मूव, और उसके शोल्डर को कितना मूव करना पड़ेगा, 135 डिग्री। दोबारा एक बार समझते हैं, मैंने बोला कि बेबी के हेड को अल्टीमेटली कहाँ पे आना होता है, ऑक्सीपुटो एंटीरियर, यहीं से तो डिलीवर आउट होगा बेबी, ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे ही आके, जब उसका हेड ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे आ जाएगा तभी डिलीवर आउट होगा। अब सपोज राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे उसका हेड है तो उसका शोल्डर तो यहीं पे होगा, तो शोल्डर को हमने इसीलिए जीरो लिखा है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन, मैंने बोला कि राइट ऑक्सीपुट वाला राइट ऑक्सीपुट ट्रांसवर्स है तो कितना डिग्री आना पड़ेगा हेड को, 90 डिग्री, और शोल्डर को 45 डिग्री लिखा है यहाँ पे, सिंपल है। अब यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे चले गया तो 90 और 45, 135 डिग्री पे अगर बेबी का हेड है तो कितना रोटेट होना पड़ेगा हेड को, 135 डिग्री होना पड़ेगा। अगर 135 पे हेड है तो शोल्डर कितने पे होगा, वो होगा 90 पे, तो 90 डिग्री शोल्डर आ जाएगा यहाँ पे। लास्ट 180 डिग्री पे अगर हेड है तो उसको 180 डिग्री आना पड़ेगा, और शोल्डर कितना होगा, 180 पे हेड है तो 135 होगा शोल्डर, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो इंटरनल रोटेशन होता है कुछ इस तरीके से, क्लियर है। अब आपको कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कौन सी देखने को मिलती है हमें, तो सबसे कॉमन देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है हमको लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। उसके बाद कौन सी देखने को मिलती है,
मोस्टली हमको देखने को मिलती है राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कौन सी देखने को मिलती है, कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा देखने को मिलती है राइट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पे। और फोर्थ कौन सी देखने को मिलती है, लेफ्ट ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये सीरियल वाइज देखने को मिलती है। मतलब मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी पोजिशन है, तो वो बोलोगे आप लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर। क्लियर हो गया। तो ये तो था हमारा इंटरनल रोटेशन जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या होता है, इंटरनल रोटेशन हो गया तो कहने का मतलब क्या है, अब बेबी के हेड में, अब उसका हेड क्या हो गया, 45 डिग्री उसमें टॉर्ट आ गया। क्या आ गया, टॉर्शन आ गया। मतलब उसका हेड, अगर हमारा हेड सीधे ऐसे था तो अब उसका हेड कैसे हो गया, बॉडी तो ऐसे ही है लेकिन हेड कहाँ चले गया, टॉर्शन हो गया ऐसे। क्लियर है। तो 45 डिग्री का उसका टॉर्शन आ जाता है नेक में, मतलब नेक थोड़ी सी मुड़ जाती है पार्शियली, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन के बाद क्या आता है, वो आता है अगला पॉइंट क्राउनिंग। क्या आता है, क्राउनिंग। क्राउनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, बाइपराइटल डायामीटर, कौन सा डायामीटर, बाइपराइटल डायामीटर, ये आप लोगों को बताया था पीडिया के जब क्वेश्चन सॉल्व हुए थे, कितना होता है बाइपराइटल डायामीटर, ये आप लोग बताओगे मुझे। क्राउनिंग मतलब बाइपराइटल डायामीटर क्या करते हैं बेबी के हेड के, अब जो पेरिनियम वाला पार्ट है उस पे आके बेबी का हेड क्या करता है, इसको प्रेशर करता है नीचे की तरफ। अब ये प्रेशर करता है तो क्या हो जाता है, अगर बेबी का हेड किसी चीज़ पे आ रहा है नीचे, सपोज ये है, अब बेबी का हेड यहाँ पे आएगा तो ये क्या करेगा, स्ट्रेचनिंग करेगा। तो बाइपोलर डायामीटर किस पे आ जाते हैं, पेल्विक फ्लोर पे आ जाते हैं। तो पेल्विक फ्लोर पे क्या करते हैं, स्ट्रेचनिंग करते हैं, स्ट्रेच करेंगे पेल्विक फ्लोर को। अगर आप स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, जो बेबी का हेड है वो क्या होगा, शो होने लग जाएगा, ठीक है, शो होने लग जाएगा क्या, बेबी का हेड या फीटल हेड, फीटल हेड यहां पे शो होने लग जाएगा, आपको उसमें हेयर्स दिखाई देने लग सकते हैं, ठीक है, ये विजुअलाइज होने लग जाएगा फीटल हेड। मैंने बोला क्राउनिंग, क्राउनिंग क्या होता है, जिसमें बाइपैरामीटर डायामीटर आके पेल्विस पे, अब अभी तक क्या हो रहा था, इंटरनल रोटेशन होने के बाद फ्लेक्शन हुआ, फ्लेक्शन के बाद क्या हुआ, इंटरनल रोटेशन हुआ, 45 डिग्री का टॉर्शन आ गया है बेबी के नेक में। तो उसके बाद क्या होगा, बाइपैरामीटर डायामीटर क्या करेंगे, नीचे को तो डिसेंट हो रहे हैं, तो डिसेंट होने से पेल्विस फ्लोर पे वो क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो पेल्विस फ्लोर क्या होगी, स्ट्रेच होगी, स्ट्रेच होगी तो क्या होगा, फीटल हेड बाहर की तरफ उनको दिखाई देगा, लेकिन अभी एक्सपेल आउट नहीं हुआ है। क्लियर है। अब क्राउनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, जो आप एपिजियोटमी इसमें करते हो, क्या करते हो, एपिजियोटमी जो की जाती है वो इसी केस में की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिजियोटमी। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो जो पेरिनियम वाला पार्ट है, इसकी जो मसल्स हैं, अगर ये स्ट्रेच होगा तो कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगी ना, बहुत, पहले बहुत ही मोटी थी, ऐसे थी, अब अगर ये स्ट्रेच हो गई तो कैसी हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो आसानी से यहाँ पे क्या लग सकता है, कट लग सकता है, तो उसी टाइम पे एपिजियोटमी हम लगाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा क्राउनिंग। क्लियर, क्राउनिंग कंप्लीट हो गया। अब क्या हो सकता है, और अब होता है, अब बेबी का हेड दिखने लग गया तो अब होता है क्या, क्राउनिंग के बाद डिलीवरी ऑफ हेड ऑफ बेबी, ये मैंने ऐसे लिखा है, आप इसको लिख लेना एक्सपल्शन। क्या लिखोगे आप इसको, एक्सपल्शन। तो एक्सपल्शन में क्या होता है, बेबी के हेड की डिलीवरी हो जाती है। कैसे होती है डिलीवरी, अब हमने बोला था जो ऑक्सीपुटो एंटीरियर वाला पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट था, ऑक्सीपुटो एंटीरियर वाला, मतलब अगर सपोज ये एंटीरियर वाला पार्ट है तो बेबी का एक तो हो सकता है ये वाला पार्ट उस पे टच, और एक ये पीछे वाला पार्ट, मतलब इसके बैक साइड वाला। तो जब ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे जो पार्ट टच रहता है तो वो इस तरीके से ही रहता है, ठीक है। अब ये इस तरीके से ही है तो बाहर भी पास आउट कैसे होगा, एक्सपल हुआ तो बेबी का हेड जो फेस रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, मदर के एनस की तरफ, या मदर के जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, या बैकवर्ड साइड को, ठीक है, पीछे की तरफ रहेगा, और इन फ्रंट क्या रहेगा, बेबी का ऑक्सीपुट वाला पार्ट रहेगा। तो एक्सपल्शन में हम देखते हैं पोजिशन, एक तो इसमें एक्सपेल आउट हो गया, बेबी की हेड की डिलीवरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे मैं डिलीवरी का मतलब ये नहीं कि बेबी डिलीवर हो गया, तो पोजीशन कौन सी रहेगी, जो फेस वाला पार्ट है वो कहाँ पे रहेगा, ईयर कहाँ पे रहेंगे,
और ऑक्सीपुट कहाँ पे रहेगा। ये तीन चीज़ों में आपको विशेष ध्यान देना है। तो फेस वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है एनल साइड को, कहाँ को, एनल की तरफ। ईयर कहाँ पे रहेंगे, ईयर दोनों थाइस की तरफ रहें। आप मतलब इसको इमेजिन करिए आप, तभी आपको पता लग सकता है। बेबी बाहर आया और उसका हेड किसकी साइड को है, पीछे की साइड को। अब आप बोल रहे होंगे कि बेबी तो आता तो इस तरीके से है, मतलब बेबी जब बाहर आता है तो इस तरीके से आता है, मतलब उसका हेड कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बेबी की जो नेक होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती नहीं है, तो नेक कुछ ऐसे हो जाता है, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है नेक में, उसके होल्डिंग कैपेसिटी ना होने की वजह से, जिससे कि उसका जो फेस होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है, क्लियर है। तो फेस एनल साइड को होगा, ईयर उसके दोनों थाइस की तरफ होंगे, ठीक है, और ऑक्सीपुट वाला एंटीरियर साइड पे देखने को मिलेगा हमें। तो ये तो हो गया एक्सपल्शन। अब एक्सपेल आउट हो गया बेबी का हेड, केवल हेड की बात कर रहे हैं। अब दूसरा क्या आता है, एक्सपेल आउट होने के बाद आता है रेस्टिट्यूशन। अब इसका मतलब तो समझते होंगे आप, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब जनरली, इसका जनरल मतलब समझिए इसका, तभी बाकी का मतलब समझ में आएगा। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसे अगर हमने सपोज किसी की चोरी कर ली हमने, ठीक है, बाद में हमें थोड़ा सा फील आया कि नहीं यार नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसे, तो हम क्या करते हैं, उसकी चीज़ को वापस लौटाने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये जोक था एक, हम कभी भी नहीं लौटाते हैं। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ अगर कोई गलत हुई हो या कुछ भी हुआ हो उसको वापस से सही करना, ठीक है, वापस से सही करना, आप ये समझ सकते हो। तो रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, जो हमने इंटरनल रोटेशन के अंदर बेबी के नेक में क्या आया था, 45 डिग्री का टॉर्शन आया था। अब क्या होता है रेस्टिट्यूशन में, ये टॉर्शन रिलीव होता है, क्या होता है, रिलीव होता है। अब बेबी का हेड फेस तो किसकी साइड को है, पीछे की तरफ। अब बेबी के हेड में क्या होगा, 45 डिग्री वापस आएगा वो, ठीक है। अब वो वापस आता है तो उसका फेस अब वो पूरी तरीके से थाइस पे नहीं आया है अभी, ठीक है, पार्शियली आ जाता है वो, कहाँ पे, पार्शियली उसका फेस आ जाता है थाइस की तरफ, ठीक है। और जो दूसरा ऑक्सीपुट वाला पार्ट है, ऑक्सीपुट वाला पार्ट है वो किसकी तरफ होता है, दूसरी थाइस की तरफ, अनदर थाइस, थाई की तरफ, क्लियर हो गया। अब तीसरा आता है ईयर कहाँ पे होंगे उसके, अब सोचिए आप ईयर कहाँ पे होंगे, तो ईयर उसके हो जाते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड को, ठीक है, मतलब एक एनएस की साइड को होगा। आप समझिए कि बेबी का हेड है, अगर उसका फेस मदर की एक थाई की तरफ है और ऑक्सीपुट दूसरी थाई की तरफ है, तो उसके ईयर कैसे होंगे, ईयर ऐसे ही तो होंगे, एक एंटीरियर साइड पे होगा आगे की तरफ और एनएस की तरफ दूसरा क्या होगा, ईयर होगा, क्लियर है। तो ये तो रेस्टिट्यूशन था, मैंने ये बोला कि रेस्टिट्यूशन में पार्शियली आता है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली, मतलब जैसे ये थाइज है और बेबी का हेड सपोज ये वाला पार्ट है, तो ये कम्प्लीटली नहीं जाता इसकी तरफ, हल्का सा ऐसे रहता है, ठीक है, हल्का सा ऐसे रहता है। कम्प्लीटली जाने का मतलब तो ये हुआ, ये इसका फेस है तो ये हुआ कम्प्लीटली जाने का मतलब। अब रेस्टिट्यूशन के बाद एक चीज़ आती है, एक्सटर्नल रोटेशन। ये सुना होगा आपने, एक्सटर्नल रोटेशन किसका, एक्सटर्नल रोटेशन किसका, जो अभी एक्सटर्नल है हेड का, फिर से एक्सटर्नल रोटेशन होगा हेड का, और ये दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, क्लियर है। जब बेबी का हेड एक्सटर्नल साइड पे रोटेट होगा, उसी टाइम पे इंटरनल रोटेशन शोल्डर्स में होगा, क्लियर है। क्यों होना है, अब हमने ये पढ़ा था कि बेबी का हेड तो ऑक्सीपुटो एंटीरियर पार्ट से आया, तो मतलब उसका शोल्डर कहाँ पे होगा, 45 डिग्री यहाँ पे होगा, या तो राइट ऑक्सीपुट पे होगा या लेफ्ट ऑक्सीपुट पे होगा। सोच सकते हो आप, बेबी का हेड आया नीचे तो उसका उसके शोल्डर कहाँ पे होंगे, या तो ऑक्सीपुट लेफ्ट साइड पे होंगे या राइट साइड पे होंगे एंटीरियर, क्लियर है। तो उसको वापस करने के लिए इंटरनल रोटेशन होता है, तो उसको वापस कैसे होगा, शोल्डर मतलब इस वाले में एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड का मेन मतलब मकसद होता है, जो अब शोल्डर की डिलीवरी होनी है क्योंकि हेड तो आ गया बाहर। अब शोल्डर अगर सपोज यहाँ पे था या यहाँ पे था, तो अब शोल्डर को कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है। तो ये जब हेड दोबारा 45 डिग्री होगा तो ये क्या आ जाएगा, शोल्डर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। और शोल्डर को हम फर्स्ट शोल्डर को डिलीवर कर लेंगे, दूसरा शोल्डर रहेगा
यहाँ पे ऐसे, क्लियर है? तो ये हम समझ लेंगे अभी। तो एक्सेलर रोटेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि रोटेट होना हेड का, फिर से 45 डिग्री रोटेट होता है। क्या होता है? फिर से 45 डिग्री रोटेट होता है, और इस बार जो क्या आया था अभी तक पार्शियली आया था, अब वो कंप्लीटली, कौन सा पार्ट, फेस कहाँ पे आ जाते हैं, कंप्लीटली थाइस पे आ जाते हैं, और दूसरा वाला ऑक्सीपुट वाला पार्ट कहाँ पे चले जाएगा, ऑक्सीपुट कहाँ पे चले जाएगा, अनदर थाई की तरफ, अनदर थाइस की तरफ। तो ये होगी इसमें पोजीशन, और ईयर एंटीरियर पोस्टीरियर ही रहेंगे। अब ये हो गया हमारा, इंटरनल रोटेशन भी हो गया। अब इंटरनल रोटेशन में क्या हुआ, दोनों साथ में हुए, तो इंटरनल रोटेशन अब ऑक्सीपुटो एंटीरियर वाला एक हैंड, जो एंटीरियर वाला हैंड है वो आ गया हमारा कहाँ पे, ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे, ठीक है? ऑक्सीपुटो एंटीरियर पे आ गया, तो इसकी हमने कर ली डिलीवरी, ठीक है? अब जैसे ही हम इसकी डिलीवरी कर लेते हैं, तो हमें ब्लीडिंग से और बाकी कॉन्ट्रैक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, या जो भी चीज़ें हैं, मेथर्जिन और एर्गोमेथ्रिन यहीं पे देते हैं हम, ठीक है? यहीं पे देते हैं, इससे पहले हम नहीं देते हैं। जब एंटीरियर शोल्डर डिलीवर आउट होने के बाद आप मेथर्जिन और एर्गोमेथ्रिन दे सकते हैं, क्लियर हो गया? उसके बाद है एक्सेलर रोटेशन हो गया। अब इसके बाद होगा फीटस के पूरे ट्रंक, अब हमने दूसरा शोल्डर कैसा कर लिया, एंटीरियर शोल्डर तो हमने डाउनवर्ड और फ्लेक्शन से निकाल लिया शोल्डर, ठीक है? पोस्टीरियर शोल्डर को कैसे निकालेंगे, अपवर्ड फ्लेक्शन करेंगे, अपवर्ड करेंगे तो उससे पोस्टीरियर शोल्डर भी हमारा डिलीवर आउट हो गया। लास्ट आता है हमारा डिलीवरी, क्या आता है, डिलीवरी, डिलीवरी मतलब पूरे बॉडी के ट्रंक की डिलीवरी और पूरे बचे हुए बॉडी पार्ट की डिलीवरी। तो हमारे पास दोनों शोल्डर आ गए थे, अब हम क्या करते हैं, टू फिंगर इंसर्ट करते हैं, कहाँ पे, दोनों शोल्डर्स में, टू फिंगर इंसर्ट करेंगे दोनों शोल्डर में, बेबी के एक्जिला वाले पार्ट में। तो एक्जिला वाले पार्ट से दोनों से क्या कर लेंगे, पुल आउट कर लेंगे बेबी को बाहर को, तो वैसे हो जाएगी डिलीवरी कम्प्लीटली। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज लेबर कम्प्लीट, मतलब यहाँ पे बेबी की हो गई डिलीवरी, क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिए इवेंट और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है। अगर आपको समझ में ना आए या कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इसमें अगली चीज़ पढ़ सकते हैं कि सेकेंड स्टेज में हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है सेकेंड स्टेज में, क्या क्या हो सकता है भाई, वही है। सबसे पहले तो सेकेंड स्टेज में हम पोजीशन कौन सी देते हैं, ये बात हुई। दूसरी FHR कब चेक करते हैं, क्लियर? और क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, तो मेनली हम इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं। पोजीशन तो हम इसमें कौन सी देंगे, मदर की डिलीवरी हो रही है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, लिथोटमी पोजीशन देते हैं, क्लियर है? लिथोटमी पोजीशन दी, FHR। अब फर्स्ट स्टेज में तो हम हर 30 मिनट पे चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमें हर 15 मिनट पे चेक करना पड़ता है, या इससे भी कम हो सके तो 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट के अंदर हमें, हर 15 मिनट के अंदर में FHR वगैरह चेक करना होता है। अगला, अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, फंडल मसाज दे सकते हैं, लेकिन फंडल मसाज इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता कि इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन इससे नहीं आ सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करवाते हैं, ठीक? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं सेकेंड स्टेज में। और आप इसमें शॉक मैनेजमेंट वगैरह कर सकते हैं, अगर रोटेशन हमने पढ़ा था ना, इंटरनल रोटेशन, वो नहीं होता तो उसको मैन्युअली रोटेशन किया जाता है। तो आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया है सेकेंड स्टेज में कैसे रोटेशन हो रहा है, कैसे एक्सपल्सन हो रहा है, कैसे प्रोपल्शन हो रहा है, दो फेस पड़ी थी, तो अगर वो चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं तो आपको पता होना चाहिए। एपिजियोटमी इसी केस में करते हैं, तो आपको सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएंगी। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हमारा इतना ही है, क्लियर है? अब हमको पढ़ना है क्या, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, क्या पढ़ना है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, इसी में पढ़ लेते हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर भी। अब हमने सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में एक चीज़ नहीं बताई थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट कहाँ से होती है। हमने पढ़ लिया था कि 1.5 घंटे तक का टाइम लगता है, और सर्वाइकल, जब सर्विक्स पूरी तरीके से डायलेट हो जाती है, पढ़ा था ना हमने, फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स फुल डायलेट हो रही थी, तो सर्विक्स के फुल डायलेशन से लेके
कहाँ तक? सर्विक्स का फुल डायलेशन हो गया, डिलीवरी ऑफ द बेबी तक, डिलीवरी ऑफ द बेबी, ये किस में होता है? ये होता है सेकेंड स्टेज में, ठीक ठीक है। तो सेकेंड स्टेज में सर्विक्स के फुल डायलेशन से लेके डिलीवरी ऑफ द बेबी तक हमने पढ़ा। सर्विक्स डायलेट होने के बाद कैसे एंगेजमेंट हुआ, कैसे डिसेंट हुआ, कैसे फ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रोटेशन, क्राउनिंग, ठीक है, सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली। अब हम पढ़ रहे हैं थर्ड स्टेज ऑफ लीवर और उसका मैनेजमेंट हमने कर लिया। अगर आप टॉपिक समझ गए तो मैनेजमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर है। अब पढ़ते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लीवर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लीवर में हम क्या देखते हैं? थर्ड स्टेज ऑफ लीवर मेनली कितनी होती है, कितने देर की होती है? 15 मिनट की। तो 15 मिनट में क्या हो जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लीवर में, क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके, डिलीवरी ऑफ बेबी से लेके कहाँ तक होती है? डिलीवरी ऑफ द बेबी से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा को बोलते हैं हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, इसके इवेंट पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि 15 मिनट की होती है और मैक्सिमम टाइम लग सकता है इसमें 30 मिनट, ठीक है। अगर 30 मिनट, अब हम इसके अंदर पहले पढ़ लेते हैं कैसे कैसे होता है। 30 मिनट्स के अंदर में हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले होता है सेपरेशन, क्या होता है? फर्स्ट आता है थर्ड, इसमें आता है सेपरेशन। तो जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है वो मेनली दो तरीके से देखने को मिलता है। किसी में देखने को मिलता है ये सपोज एंडोमेट्रियम है और ये प्लेसेंटा है, ठीक है। अब नॉर्मल बना देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली ये अढेर है इससे, ठीक है, यहाँ पे चिपका हुआ है, स्पॉन्जियोसा से चिपका हुआ है। स्पॉन्जियोसा से ही अलग होता है ना, बेसिलस पे जो स्पॉन्जियोसा है उससे ही डिटैच होता है प्लेसेंटा। तो अब क्या हुआ, साइड वाला पार्ट तो चिपका हुआ है लेकिन जो बीच वाला पार्ट है वो क्या हो गया, निकल गया है। ये पूरा साइड वाला पार्ट है, बीच से अगर निकल जाता है, कैसे निकल जाता है, अगर बीच से अलग हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पहले इसके दो मेथड होते हैं, ये तो समझ गया प्लेसेंटा कैसे सेपरेट होगा, उसको सेपरेशन को ही समझ रहे हैं। तो इसमें एक तो मेथड होता है आपका सल्ट्स मेथड, ठीक है, सल्ट्स मेथड। तो सल्ट्स मेथड में क्या देखते हैं हम, सल्ट्स मेथड होता है, दूसरा होता है मैथ्यू डंकन मेथड, मैथ्यू डंकन मेथड, ठीक है, मैथ्यू डंकन मेथड। तो मैथ्यू डंकन मेथड में क्या होता है, सल्ट्स मेथड में तो आप देखते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता है, सपोज ये आपका एंडोमेट्रियम की स्पॉन्जियोसा लेयर है, उसमें क्या होता है सल्ट्स मेथड में तो कैसे सेपरेट होता है, पेरिफ्री से सेपरेट होता है, सॉरी सेंटर से सेपरेट होगा, सेंटर से सेपरेट होगा, ठीक है। सपोज ये प्लेसेंटा है तो ये प्लेसेंटा कैसे सेपरेट हुआ है, इस वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट इसका सेपरेट हो गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट निकल गया इसका, सपोज ऐसे करके निकल गया, तो इसको बोलेंगे हम सेंटर से सेपरेट होना प्लेसेंटा का। और इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पहले किसका निकल जाता है, साइड का निकल गया, मतलब पेरिफ्री का निकल गया मैथ्यू डंकन में, ठीक है, और सेंटर का रह गया, तो इसको बोलते हैं मैथ्यू डंकन मेथड। एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि दोनों चीज़ें होती हैं, इनमें से एक देखने को मिलती है, और उनमें से भी कौन देखने को मिलती है, ज़्यादातर मैथ्यू वाली देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है पेरिफ्री से पहले निकल जाती है और सेंटर से बाद में निकलती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्लेसेंटा का सेपरेशन, क्लियर है। तो प्लेसेंटा का सेपरेशन में हमने देखा कि कैसे सेल्च मेथड में सेंटर से डिटैच हो रही है और मैथ्यू डंकन में कैसे पेरिफ्री से डिटैच हो रही है, क्लियर। तो यहाँ तक तो हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे क्या होता है। अब अगर आपको प्लेसेंटा सेपरेट हो गई है, ये टॉपिक में नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपका प्लेसेंटा जो सेल्स वाला मेथड है हमारा, ठीक है, जो सेल्स वाला मेथड है, इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, इसमें देखने को मिलेगा क्या हो जाता है, सेंटर से सेपरेट होती है, तो सेंटर से सेपरेट होगी तो क्या होगा, तो इसमें अम्ब्रेला शेप देखने को मिलेगा आपको, इसको अम्ब्रेला शेप प्लेसेंटा भी बोलते हैं सेल्स मेथड, ठीक है, जिसमें सेंटर से डिटैच होगा। तो आप समझ सकते हैं साइड से तो चिपकी है प्लेसेंटा लेकिन बीच से डिटैच हो गई है, तो कुछ ऐसे शेप की वो हो जाएगी।
तो उसको बोलते हैं हम अम्ब्रेला शेप प्लेसेंटा। अब देखते अगर प्लेसेंटा सेपरेट हो गई तो उसके साइन क्या क्या देखने को मिलते हैं आपको, क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे अगर प्लेसेंटा देख वो हो गई है तो आपको सडन गुश देखने को मिलेगा, सडन गुश ऑफ ब्लड, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो आप प्लेसेंटा सेपरेट होने का साइन है। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ और क्या देखने को मिल सकता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उससे, अम्बिलिकल कॉर्ड सपोज ये प्लेसेंटा है इससे अम्बिलिकल कॉर्ड लगी हुई है, तो अगर ये प्लेसेंटा क्या होती है नीचे को आएगी तो क्या होगा, प्लेसेंटा अगर डिटैच होकर नीचे को आएगी तो ये इसकी कॉर्ड की लेंथ भी तो बढ़ जाएगी, तो अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ बढ़ते हुए लेंथनिंग दिखाई देगी आपको। तीसरी जो मेन इम्पॉर्टेंट तीसरा साइन जो है प्लेसेंटा सेपरेट होने का, तो सबसे पहले यूट्रस आपको थोड़ी देर के लिए इनिशियली जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेट होता है वैसे ही यूट्रस कैसा फील होता है, यूट्रस वैसे ही सॉफ्ट फील होता है इनिशियली। ठीक है, उसके बाद तो खैर हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, फिर से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उसमें क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है उसको रोकना होता है। ठीक है, तो ये साइन हमारे प्लेसेंटा को सेपरेट करने के, पहला ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, लेंथ अम्बिलिकल कॉर्ड लंबी हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, और जो यूट्रस है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली। अब आता है दूसरा, ये तो हमारा सेपरेशन था, अब दूसरा होता है डिसेंट होना। अब प्लेसेंटा यहाँ से तो सेपरेट हो गया लेकिन अभी भी यहीं पे है, तो दूसरे प्रोसेस में डिसेंट में क्या होता है, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है प्लेसेंटा आ जाता है यहाँ पे, डिटैच होके कहाँ पहुँच जाता है यहाँ पे, तो डिसेंट सॉरी इसको बोलेंगे हाँ डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा। डिसेंट ऑफ प्लेसेंटा में क्या होगा, जो अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा है वो कहाँ पे आ जाएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे। तीसरा क्या होगा, तीसरी फेज में प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है, एक्सपल्शन आउट हो जाएगा। तो हमने तीन थर्ड स्टेज के अंदर तीन चीज़ें पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लेसेंटा सेपरेशन जो दो मेथड के दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेल्च मेथड था जिसको हम सेंटर टू मार्जिनल मेथड भी कहते हैं क्योंकि पहले सेंटर में डिटैच होती है फिर मार्जिन से होती है। दूसरा हमने पढ़ा था मैथ्यू डंकन मेथड जिसमें पहले पेरिफ्री मतलब पहले साइड से डिटैच होगी फिर मार्जिन में होगी। अम्ब्रेला सेफ हमने किसको बोला था, सेल्च मेथड को बोला था, मोस्ट कॉमन किसको बोला था, मैथ्यू डंकन को बोला था। साइन हमने पढ़ लिए थे तीन, फिर उसके बाद प्लेसेंटा सेपरेट हुई, डिसेंट हुई और डिसेंट होने के बाद एक्सपेल आउट हो गई। तो ये तीन चीज़ें आती हैं हमारे किसमें, थर्ड स्टेज ऑफ लिवर में, और ये 30 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। सपोज़ अगर ये प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होती है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट नहीं होती है 30 मिनट तक, और 30 मिनट से ज़्यादा का टाइम लग रहा है, 30 मिनट तक एक्सपेल आउट नहीं हुई तो उसको बोलेंगे हम रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है थर्ड स्टेज ऑफ लेवर का। ये पूछा जाता है थर्ड स्टेज का क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे क्या होगा, प्लेसेंटा कहाँ रहेगा, प्लेसेंटा अगर बाहर नहीं निकला तो वो ये सबसे कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, यही होगी रिटेन्ड प्लेसेंटा। अब ठीक है, अब प्लेसेंटा अब इसका मैनेजमेंट भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। तो रिटेन्ड प्लेसेंटा मोस्ट कॉमन है तो इसका मैनेजमेंट हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं प्लेसेंटा अगर रिटेन्ड है तो हम दो चीज़ें देखते हैं उसमें, एक तो प्लेसेंटा क्या हो गया है, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है, दूसरे में सेपरेट भी नहीं हुआ है। इसमें दो मेथड के थ्रू हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो प्लेसेंटा अगर सेपरेट हो गया है लेकिन डिसेंट नहीं हुआ है, एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम यूज़ करते हैं फंडल प्रेशर। में क्या करते हैं हम, फंडस की जो मदर का बाहर से फंडस है उस पर क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। कैसे देते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, प्लेसेंटा सेपरेट हो गया वो आसानी से निकल सकता है। क्लियर हो गया, तो ये तो हमारा पहला है फंडल प्रेशर। दूसरी चीज़ आती है हमारा कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। तो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में क्या होता है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जेंटली जो कॉर्ड है उसको जेंटली क्या करते हैं, रिमूव आउट करते हैं बाहर की साइड को।
तो ये तो उस कंडीशन में है जब प्लेसेंटा आपका सेपरेट हो गया है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन और फंडल प्रेशर, ध्यान रखिएगा जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया तब दो चीज़ें करेंगे, अगर प्लेसेंटा सेपरेट नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तब हम करते हैं एक चीज़ जिसका नाम बोलते हैं हम क्या, मैनुअल रिमूवल। क्या बोलते हैं इसको, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा में क्या करते हैं हम, ग्लव्स वाला हैंड लेते, मतलब जो हमने ग्लव्स पहने होते हैं तो ग्लव्स वाला हैंड लेते हैं अपना, उसकी ऐसी ग्रिप बनाते हैं कुछ इस तरीके से और इंसर्ट कर देते हैं जो मदर है उसकी वजाइना के थ्रू यूट्रस में। ठीक है, अब सपोज यूट्रस में कर दिया, यहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेट नहीं है, प्लेसेंटा चिपका हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जब हमारा फिंगर के प्लेसेंटल मार्जिन को टच करता है, जब हमारे फिंगर्स ऐसे ही गए हैं ना ऊपर, तो प्लेसेंटल मार्जिन को जब टच करता है तो हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग मूवमेंट करते हैं। कौन ये पूछा जाता है कौन सा मूवमेंट से हम प्लेसेंटा को सेपरेट करते हैं, स्लाइसिंग मूवमेंट यहाँ पे हमारे द्वारा किए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब हमने स्लाइसिंग मूवमेंट करने से पहले क्या करना है, क्योंकि मैनुअल रिमूवल है तो इसमें हमको जनरल एनेस्थीसिया यूज़ करना पड़ता है। क्या यूज़ करना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया, कौन सा, थियो पेंटल सोडियम। ठीक है, थियोपेंटल सोडियम हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो थियोपेंटल सोडियम क्या करेगा, जनरल एनेस्थीसिया का काम करेगा हमारा। अब हमने हेड हैंड क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया अंदर और स्लाइसिंग मूवमेंट करने लगे। ठीक है, तो स्लाइसिंग मूवमेंट करा, प्लेसेंटा हो गया सेपरेट, और प्लेसेंटा सेपरेट हुआ तो बाहर से हमने दूसरे हाथ से क्या कर रखा है, हाँ, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में भी हम प्रेशर देते हैं यहाँ को, अभी हम बता रहे हैं इसको, इससे पहले कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन पूरा नहीं बताया था। इसमें क्या करते हैं हम, सेम फंडल प्रेशर की तरह होता है लेकिन जो इसमें हम प्रेशर देते हैं वो अपवर्ड देते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन में अपवर्ड एंड बैकवर्ड और फंडल प्रेशर में डाउनवर्ड और बैकवर्ड। थियोपेंटल सोडियम देने के बाद कितना देते हैं इसको, 5 to 6 mg पर kg के हिसाब से, जितने kg का फीमेल है उसके हिसाब से। क्लियर हो गया। अब हमने दे दिया थियोपेंटल सोडियम, हैंड की ग्रिप बना दी, स्लाइसिंग मूवमेंट कर दी, प्लेसेंटा हो गया सेपरेट, और दूसरे हाथ से हमने क्या करा हुआ है, अब इसी टाइम पे हम क्या करते हैं, एर्गोमेथ्रिन, जो एर्गोमेथ्रिन या मेथर्जिन है वो क्या कर देते हैं, दे देते हैं। ठीक है, इन दोनों का डोज कितना होता है, मेथर्जिन का तो, एर्गोमेथ्रिन का तो होता है कितना, 0.5 mg, और इसका होता है 0.2 mg। ये डोज हम दे देते हैं, ये देनी ज़रूरी है। ये क्या करता है, जो यूट्रस है, एर्गोमेथ्रिन और मेथर्जिन का काम क्या है, ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर, सपोज ये यूट्रस है तो यूट्रस के अंदर आर्टरीज आ रही होती हैं, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, तो इनको देने से क्या होगा, अब हमने प्लेसेंटा सेपरेट कर दी तो बहुत सारा ब्लड आ सकता है यहाँ से, तो इस ब्लड को स्टॉप करने के लिए हम देते हैं उसी टाइम पे। अभी हमने हैंड रिमूव नहीं किया है, हम दूसरे हाथ से कॉर्ड को खींच रहे हैं बाहर, जेंटली हमने प्लेसेंटा निकाल दिया, लेकिन हमारा हैंड कहाँ है, मदर के जो यहाँ पे ही है। ठीक है, अब डमन जो उसके यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ही है, तो हम इंजेक्शन दे, IM हमने दे दिए, ये कैसे देंगे, IM देंगे, एर्गो और मेथर्जिन कैसे दिए हमने, IM दे दिए, और जैसे हमने इंजेक्शन दिया तब हम अपने हाथ को धीरे से नीचे कर लेते हैं, तो जैसे ही हम ये ड्रग देते हैं तो क्या हो, उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे यूट्राइन जो भी आर्टरीज होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब पता है आपको, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा वैसे ही क्या होगा, वहाँ पे जो आर्टरीज आ रही होंगी उनमें कॉन्स्ट्रक्शन होगा, तो क्या होगा, वो बंद हो जाएंगी अपने आप ही और ब्लीडिंग कम हो जाएगी। क्लियर है, और बंद हो जाएगी और फिर हम क्या करेंगे, हैंड को बाहर निकाल लेंगे। लास्ट और नॉट वेरी इम्पोर्टेंट, फोर्थ स्टेज ऑफ लीवर में हमें कम से कम 1 to 4 hours का टाइम लगता है, क्योंकि ये होता है ऑब्जर्वेशनल स्टेज। कौन से स्टेज बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑब्जर्व करते रहना है फीमेल को, शॉक में तो नहीं जा रही है। ठीक है, PPH की वजह से शॉक में तो नहीं जा रही है, PPH हो गया, और इसमें वाइटल साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या इंपॉर्टेंट है, तो वाइटल साइन में भी BP और पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, BP और पल्स को इसमें क्या कर लेंगे, देख लेंगे। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, ये था फोर्थ स्टेज ऑफ लेवर, और कुछ रह गया था इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रोलॉन्ग लेवर किसे बोला जाता है, प्रोलॉन्ग्ड लेवर किसे बोला जाता है, तो प्रोलॉन्ग्ड लेवर किसे बोलते हैं, जब फर्स्ट स्टेज कितनी देर तक का होता है, अप टू 16 आर का, सेकेंड स्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 आर का,
तो टोटल कितना हो सकता है फर्स्ट और सेकंड स्टेज को लगा के कितना टाइम लग सकता है? 18 घंटे लग सकते हैं। जब फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों मिला के मोर देन 18 हो रहे हैं, मतलब 18 घंटे से ज़्यादा टाइम लग रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोलॉन्ग्ड लेवर। क्लियर है इतना? जो भी क्वेश्चन है बाकी हम उसको क्लियर कर लेंगे जो भी हमारा क्विज होगा उसके थ्रू, ठीक है? छोटे छोटे क्वेश्चन हम उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, बाकी आपके क्वेश्चंस का वेलकम है, आपके डाउट्स को हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है? क्लास डिसमिस।